हाय मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस एरर्स, इंग्लिश के सेंटेंस एरर्स के ऊपर एक क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आते रहेंगे सभी एग्जाम रिलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर ये उस तरह के एरर्स हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में ठीक से लेवल के होते हैं, जो एग्जाम में आ ही जाते हैं। एरर्स का सेक्शन हर इंग्लिश के आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट में कॉमन रहेगा, एरर्स आते ही आते हैं। आपको एरर्स ठीक लगेंगे मेरे को पता है, आप लोगों को लिखना जरूरी है। आप अगर कोई भी नोटबुक मेंटेन करते हैं जिसके अंदर आप एरर्स लिखते हैं, लिखिएगा जरूर, क्योंकि कुछ बातें मैं बताऊंगी जो आपको हेल्पफुल रहेंगी आप जब एग्जाम देने जाएंगे। ये क्वेश्चंस भी वही हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आए हुए हैं। आपको बता दूं मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया, लेकिन जो ग्रामेटिकल एरर है वो सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पहली चीज ही देख लेंगे, द नाइल रिवर लिखा है, इसका मतलब रिवर के आगे भी नाम के आगे द लगाया है। द नाइल रिवर इन इजिप्ट इज थॉट टू बी अबाउट 3 million years old and there has likely been human settlements in its basin for at least 15,000 years. अब यहाँ पे आंसर क्या है? थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है वीडियो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप पहले एक बार खुद अटेम्प्ट करा करिए, क्वेश्चंस को करेंगे आप लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिट होगा आपको इस चीज से। पहले एक बार अटेम्प्ट खुद करिए। अब एरर मैं बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से, हो सकता है आप में से किसी का एरर आ भी गया हो। देयर हैज लाइकली बिन ह्यूमन सेटलमेंट्स, अब सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, नहीं तो आप लोग फटाफट से पकड़ लेते। अगर कोई कहता है देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, यहां पर जो इज आया था वो अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन के लिए आया था। अब यहां पर आप खुद पता लगा पाएंगे कि देयर के जो बाद आ रहा है उसको देख करके, देयर के जो बाद आ रहा है हम उसको देख करके उसके पहले क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, देयर आर मेनी इवेंट्स, देयर आर मेनी इवेंट्स, देयर हैव बीन मेनी सच इंसिडेंट्स। जब मैंने यहां पर बोला हैव आर, तो मैंने इवेंट्स के लिए आर बोला था और इंसिडेंट्स के लिए हैव बोला था और कंफ्यूजन के लिए इज बोला था। इसका मतलब जो देयर के बाद में आ रहा है उसको देख करके पहले देयर के बाद वर्ब लगाया जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बट देयर आर मेनी सच इंसिडेंट्स, यहां पर देयर हैव बीन मेनी सच इंसिडेंट्स। कुछ भी आप बोलिए, सिंगुलर और प्लूरल कैसे पता लगाया जा रहा है कि अगर देयर आ रहा है उसके बाद में ह्यूमन सेटलमेंट्स आ रहा है जो कि प्लूरल है, इसके प्लूरल होने की वजह से देयर के बाद यहां पर हैव आएगा, ये याद रखिएगा। तो अब मैं जो आंसर आपको बता रही हूं उसे लिखिए, और आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। देयर के बाद ह्यूमन सेटलमेंट्स आया है इसीलिए वहां पर हैज नहीं हैव आएगा। यहां पर पढ़ के सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा, कुछ गड़बड़ नहीं लगेगी, देयर हैज बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि देयर के बाद जो आएगा सब्जेक्ट उसको देख करके वर्ब लगाइए, वहां पर हैव आना चाहिए। अब एरर बी पार्ट में है, ये हम मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल दैट आई वाज रनिंग टेम्परेचर एंड देयरफॉर कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ध्यान से देखिए, जल्दी देखिए, काफी स्टूडेंट्स इस पे कंप्लेन करते हैं, रनिंग अ टेम्परेचर ये ऐसा बोल देते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं रनिंग टेम्परेचर होता क्या है। अब आपको बता दूं, ये आई इन्फॉर्म द प्रिंसिपल दैट आई वॉज रनिंग अ टेम्परेचर तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां पर अ आ रहा है। अब आधे बच्चे जो अ लगाते ही सोचने लगते हैं क्या सिंगुलर है क्या काउंटेबल है, वो चीज में आपको नहीं पढ़ना है। जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूं वो एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। तो किसी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के साथ आपको बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। रनिंग अ टेम्परेचर एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, जैसे रनिंग अ फीवर, जैसे रनिंग अ फीवर तो बोला जाता है, रन अ फीवर, रन अ टेम्परेचर, तो रनिंग अ टेम्परेचर मतलब अगर बुखार है फीवर है तो रनिंग अ टेम्परेचर रनिंग अ फीवर बोला जाता है। एन एक्सट्रीमली हाई फीवर, यहां पर जब मैंने एन लगाया तो समझ जाइए एक्सट्रीमली था, इसीलिए एन आया था, एन एक्सट्रीमली रनिंग, एन एक्सट्रीमली रनिंग, एन एक्सट्रीमली हाई फीवर।
वही बात इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में एक्सप्रेशन नहीं आ सकता, लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं चेंज कर दूं और बोलूं रनिंग एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो फिर आप ये मत कहिएगा कि मैम ने तो अ बताया था, रनिंग अ टेम्परेचर बताया था और रनिंग अ फीवर बताया था, तो ये एन कहां से आ गया? एन का प्लेसमेंट एक्सट्रीमली की वजह से था, एक्सट्रीमली वॉल साउंड की वजह से, वॉवल की वजह से एक्सट्रीमली के पहले एन लगाया था, तो रनिंग अ टेम्परेचर, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68% ऑफ व्हाट वी परसीव एज टेस्ट स्पेशली द परसेप्शन ऑफ फ्लेवर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वन सेंस ऑफ स्मेल। एरर देखिए, थोड़ा सा सोचिए क्या एरर हो सकता है, क्वेश्चन का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया क्या आप लोगों को? वो मैं मीनिंग आपको एक बार बताऊंगी, अगर आपका एरर आ गया है तो थोड़ा सा सोचिए क्या है, और अब जरा सुनिए मैं एरर क्या बता रही हूं। यहां पर आपको ये देखना है कि हूज सेंस ऑफ स्मेल, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, हूज सेंस ऑफ स्मेल, अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे किसकी सेंस ऑफ स्मेल की बात हो रही है, तो अगर आप देख पाए ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट वी है, सब्जेक्ट वी है, तो उसका सेंस ऑफ स्मेल, वी का सेंस ऑफ स्मेल वंस कैसे हो सकता है? वी का सेंस ऑफ स्मेल तो आर आर ओ यू आर, आर सेंस ऑफ स्मेल होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, ना समझ आ रहा हो तो जरा सुनिए, अगर शी लिखते तो वहां पर हर आता, ही लिखते तो वहां पर हिज आता, दे लिखते तो वहां पर देर आता, अगर यहां वन होता तो वहां पर वंस आता, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट वी है तो पोजेसिव केस वी का आर होना चाहिए, वहां पर पोजेसिव केस आर होना चाहिए। और अगर कहें तो ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा बोला जाएगा कि वंस का एंटीसीडेंट वी, ये कैसे, आर का एंटीसीडेंट वी होगा ना, इसीलिए करेक्ट करेक्शन क्या है, करेक्ट करके वहां पे वंस नहीं आएगा, आर आएगा। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट वाला प्रॉब्लम हमने कहा था कि वी लगा है तो वी के लिए आगे क्या लगेगा, आर लगेगा। तो कह रहा है कि जैसा हम टेस्ट करते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, जो हमें फ्लेवर जो टेस्ट हम करते हैं उसमें 68% क्या होता है, हमारा सेंस ऑफ स्मेल, जो हमें टेस्ट आता है किसी भी चीज का, तो हम कह रहे हैं वो जो टेस्ट आता है उसमें 68% क्या होता है, हमारा सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर किस पार्ट में था? एरर सी पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला, द लेडी वॉज ओवरकम विद ग्रीफ व्हेन शी हर्ड द सैड न्यूज ऑफ द ट्रेन डिजास्टर इन विच हर ब्रदर वॉज किल्ड। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सेंटेंस लग रहा है, बिल्कुल पैसिव में लिखा हुआ है, पढ़ने में गलती पता भी नहीं चल रही, थोड़ी देर के लिए सोचेंगे तो थोड़ा याद आएगा। हो सकता है ऐसा रूल कभी आपने पढ़ा हो कि पास्ट में दो अकम्प्लिश्ड टास्क है, पास्ट में थोड़े दो काम थे जो पूरे हुए थे, एक को आप पहला कह सकते थे, एक को आप दूसरा कह सकते थे, जो पहला काम होता है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, पहला एक्शन पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन हैड प्लस थर्ड फॉर्म फर्स्ट एक्शन। मैंने कहा दो एक्शंस हुए थे पास्ट में, दो एक्शंस हुए थे पास्ट में, एक एक्शन पहला है, एक एक्शन दूसरा है, जो दूसरा एक्शन होता है उसके साथ सेकेंड फॉर्म आती है। ये बात क्या चल रही है, ये बात ऐसी है कि अगर किसी ने कहा आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, आई डिड नॉट हैव मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। ध्यान से देखिए, दो एक्शन हुए थे, एक तो वॉलेट जो था वो गुम हो गया और दूसरा क्या था, पैसे भी नहीं थे, दो एक्शन थे, पैसे का ना होना और वॉलेट का गुम जाना। तो हम ये बात कर रहे हैं कि पहला एक्शन कौन सा था, पहला एक्शन था वॉलेट गुम हो गया और उसका रिजल्ट क्या था कि अब पैसे नहीं है, तो पहले एक्शन के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया था, मतलब आई डिड नॉट हैव मनी, डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई डिड नॉट हैव मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट।
तो दो काम में से पहले और दूसरे को अगर आप मार्क कर पाते हैं, पास्ट के दो कंप्लीटेड एक्शंस हैं, दो कंप्लीटेड एक्शंस में मैंने कहा पहला जो एक्शन है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड एक्शन सेकंड फॉर्म लेगा, क्या ये सेम बात यहां अप्लाई होती है? हाँ। कैसे? कि हमने कहा ग्रीफ बाद में आया, ग्रीफ रिजल्ट है, दुख जो है वो रिजल्ट है किस चीज का? उसके ब्रदर की डेथ का, उसकी ब्रदर की डेथ का, जो सैड न्यूज थी ट्रेन डिजास्टर वाली। तो ट्रेन डिजास्टर पहले हुआ तभी उसकी वो जो लेडी है वो क्या हुई, वो बाद में दुखी हुई। तो दो एक्शन है, पहला एक्शन क्या था मैंने बताया आपको कि एक्सीडेंट हुआ, ब्रदर जो था वो वाज किल्ड, और सेकेंड एक्शन क्या था, लेडी वाज ओवरकम विद ग्रीफ। तो यहां पर दो तीन चीजें और भी नोटिस करने वाली हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि कहीं पर यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। आपको ये बता दूं ये जो स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर रही हूं ये एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है। कैसे? मैंने कहा आई डिड नॉट हैव मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं है। यहां पर एक नहीं दो दो चीजें एक साथ लगेंगी, दो तरह से सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को। कैसे? देखिए पहले ये देखिए कि वॉज के साथ ओवरकम आया है, वॉज के साथ ओवरकम आया है, इसका मतलब यहां पर देखिए यहां पर क्या लगा है, यहां पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है, कम केम कम होता है, इससे आप पता लगा लेंगे कि ओवरकम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। अगर सेंटेंस पैसिव में है तो आगे भी वही मेंटेन किया। देखिए वॉज के बाद किल्ड आया है, वॉज के बाद किल्ड आया, किल्ड नहीं आया, वॉज किल्ड बोला है, गॉट किल्ड बोला है। तो मैंने बोला वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव में लिखा होता है। अब ये पैसिव में है तो ये वाला रूल लगेगा तो सही यहां पर, बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। वो मॉडिफिकेशन क्या है? पहला एक्शन कौन सा था? मैंने बोला द ब्रदर गॉट किल्ड। अब कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पर लिखा जाएगा Her brother had been killed. तो अगर इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना हो, तो पैसिव के अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से, लिखा जाता है। यहां पर रूल बनेगा had plus been plus third form. एक्टिव वॉइस के अंदर मैंने had plus third form लिखा था, पैसिव वॉइस के अंदर हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। और अब पढ़िए सेंटेंस करेक्ट हो चुका है, दो एक्शंस थे पास्ट में, पहला एक्शन हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेता है, सेकंड एक्शन सेकंड फॉर्म लेता है। ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, ये रूल अभी इस पे नहीं चल सकता क्योंकि ये पैसिव में लिखा है सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस पैसिव में लिखा है दो एक्शन यहां भी हुए हैं, पहला एक्शन कौन सा है? ब्रदर का किल्ड होना, और सेकेंड एक्शन था लेडी का ग्रीफ दुखी होना। तो मैंने कहा फर्स्ट एक्शन के साथ हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और सेकेंड एक्शन वॉज वर थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म तो है ही। द लेडी वॉज ओवरकम विद ग्रीफ वेन शी हर्ड द सैड न्यूज ऑफ द ट्रेन डिजास्टर इन विच हर ब्रदर हैड बीन किल्ड। तो एरर किस पार्ट में है? एरर सी पार्ट में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है और पकड़ में भी नहीं आता है क्योंकि वॉज किल्ड वॉज ओवरकम दोनों जगह लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम लगी नहीं रही है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पहले एक्शन का रिजल्ट है दूसरा एक्शन, उसका किल्ड होने के बाद दुखी होना, किल्ड के बाद दुखी होना, डेथ के बाद दुखी होना, फर्स्ट क्या था ब्रदर का किल्ड और दूसरा एक्शन क्या था लेडी का ओवरकम was overcome with grief। तो ये second action है और ये first action है। First action का rule, second action का rule। Error किस part में है? C part में है। Fifth question, the conservative leader's speech was an affront for all decent members of the community। यहाँ पर आपको क्या देखना है? कोई कंजर्वेटिव लीडर है, स्पीच दे रहा है, कोई कंजर्वेटिव लीडर है, स्पीच दे रहा है, और उसकी स्पीच जो है वो जो डिसेंट मेंबर्स हैं, कम्युनिटी के डिसेंट मेंबर्स हैं, उनके लिए डेरोगेटरी है, उनके लिए इंसल्टिंग है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि वो जो डिसेंट मेंबर्स हैं, उनको शर्म सी आने लग गई, उनको शर्मिंदा कर दिया, ऐसे वाले शब्द। तो डेरोगेटरी से, इंसल्टिंग से, एफ्रंट के बाद फॉर नहीं, एफ्रंट के बाद टू आता है। एफ्रंट का मतलब मैं आपको इंसल्टिंग बता रही थी, ये भी बता दूं।
एफ्रंट के बाद फॉर नहीं आता, एफ्रंट के बाद टू आता है, ये रूल है, एफ्रंट के बाद टू आएगा. अब करेक्ट सेंटेंस, द कंजर्वेटिव लीडर स्पीच वॉज एन अफ्रंट टू ऑल डिसेंट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. एरर इज इन द बी पार्ट. People with less personal problems are likely to be more prolific than others. Prolific का मतलब productive. Prolific का मतलब productive. Derogatory मैंने बोला था. Derogatory का मतलब मैंने साथ साथ बोल दिया था. Insulting. Prolific का मतलब productive. हम कह रहे हैं जिन लोगों को कम problems होती हैं वो दूसरे लोगों से ज़्यादा productive होते हैं. समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जिन लोगों को कम पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर जो लेस आया है वो प्रॉब्लम्स के लिए आया है. लेस आया है प्रॉब्लम्स के लिए आया है. मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा जो ये ना बता पाता हो कि लेस तो अनकाउंटेबल के लिए आता है. लेस तो अनकाउंटेबल के लिए आता है. और यहां पर प्रॉब्लम्स काउंटेबल हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स काउंटेबल हैं. और अगर काउंटेबल हैं तो लेस कैसे आएगा? यहाँ पर काउंटेबल के लिए लेस नहीं, फ्यूअर आएगा. इसीलिए ठीक सा लगता हुआ सेंटेंस गलत हो गया. पीपल विद फ्यूअर पर्सनल प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी मोर प्रोलिफिक, मोर प्रोडक्टिव दैन अदर्स. तो याद रखिएगा, लेस आया है, लिटिल लेस लीस्ट आया है, तो हम लोग बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल की. हम कह रहे हैं यहां पर फ्यूअर आएगा. इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रॉब्लम्स के लिए लगाना था. और प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स काउंटेबल होती हैं, इसीलिए यहां पर लेस नहीं, फ्यूअर आना चाहिए. एरर इज इन द ए पार्ट. एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. पहला क्वेश्चन हमने बोला था कि यहां पर Has नहीं have आएगा, क्योंकि पढ़ने में सेंटेंस ठीक लग रहा है. देर के अंदर केस क्या है कि देर को देख करके जनरली आदत होती है ना कि सब्जेक्ट देखा और वर्ब लगाया. लेकिन देर के केस में समझ लीजिए कि सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, पीछे वाले को देखेंगे तभी उसके आगे वर्ब लगा पाएंगे, इसीलिए वहां पर have आएगा. तो देर हैव लाइकली बीन ह्यूमन सेटलमेंट्स. नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था रनिंग अ टेम्परेचर, रनिंग अ फीवर, रनिंग एन एक्सट्रीमली हाई फीवर. ये एक्सप्रेशंस हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि वी प्रोनाउन एंटीसीडेंट था. वी की वजह से वहां पर आर आएगा, वंस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था शी है, हर है, दे है, देर है, ही है, हिज है. सिमिलरली वी है तो वहां पर वंस नहीं, वी की वजह से वहां पर आर आना चाहिए. नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था यहां पर कि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड एक्शन आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट एक्शन पास्ट का हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन अगर पैसिव हो तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है. इसीलिए मैंने यहां पर द ब्रदर हैड बीन किल्ड किया था. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर यहां पर मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि एफ्रंट के साथ फॉर नहीं, एफ्रंट के साथ टू आएगा. नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि काउंटेबल होती है प्रॉब्लम्स, इसीलिए countable होती है problems, इसीलिए यहां पर problems के लिए less नहीं, fewer आएगा. wrap up कर रहे हैं, thank you.